अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बजट 2020 में नौकरी पेशा के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में तो बदलाव हुए ही हैं। टैक्स छूट के लिहाज से प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सीमा तय कर दी गई है, जिसकी वजह से इन पर भी टैक्स लगने की अब गुंजाइश बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आम बजट पेश किया और अपने बजट भाषण में कहा कि टैक्स छूट के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम और सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट फंड में निवेश की संयुक्त ऊपरी सीमा 7.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। इन तीनों में टैक्स की छूट का फायदा मिलता है। बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया कि यह प्रस्ताव किया जाता है कि एक साल में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि, सुपर एनुएशन फंड और एनपीएस में निवेश की ऊपरी सीमा 7.5 लाख रुपए तय की जाए। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और आकलन वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होगा। इसका मतलब ये है कि इन सभी योजनाओं में किसी कर्मचारी का एक साल में निवेश 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। इसके लिए पीएफ और एनपीएस में नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला निवेश पूरी तरह से टैक्स फ्री था और इसकी कोई सीमा नहीं थी। सिर्फ यह सीमा थी कि नियोक्ता कर्मचारी के सीटीसी वेतन के 12% के बराबर पीएफ में योगदान करेगा, लेकिन अब पीएफ में निवेश की ऊपरी सीमा 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो टैक्स देना पड़ेगा। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। हालांकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर जो उपाय किए हैं उससे लोगों का भ्रम बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 5 लाख तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर किसी भी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपए तक आमदनी वालों को 10% टैक्स देना होगा, जिसे अब 20% देना होता था। जिसकी आमदनी 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है उन्हें 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को 20% टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 30% देना पड़ता है। 12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी वालों को 25% टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30% टैक्स देना पड़ता था। वहीं जिनकी आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है ऐसे लोगों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। बजट के दौरान टैक्सेशन की शुरुआत करने से पहले उन्होंने हालांकि कहा था कि इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा पेचीदा है, इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि नई व्यवस्था में अगर टैक्स पेयर कुछ डिडक्शन और इंजेक्शन लेना छोड़ दें तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा।